नमस्कार, सच बेधड़क की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी आपके साथ। नवमी का दिन है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और साथ में रामनवमी का पर्व भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या महत्व है आज नवमी का और किस तरह से हम रामनवमी की पूजा कर सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, आपको बहुत बधाई और हमारे दर्शकों को भी आज नवमी की और आज रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पंडित जी, आज नवमी है, आज माँ के नौवें स्वरूप की पूजा होती है, अर्चना होती है, क्या महत्व है आज नवमी का? देखिए, यहाँ बहन जी, राम जी का भी आज जन्म उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और रामनवमी का दिन है। रामनवमी में रामायण के नवपरायण जिन्होंने अखंड रामायण किए उनकी नौ रामायण पूरी हो गई और जिन्होंने नवपरायण किए हैं उनका आज संपन्न हो रहा है। तो ये संपन्न होने के बाद दशा अंश रामायण का हवन किया जाता है। हवन करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। दुनिया में कोई श्रेष्ठतम कर्म है तो यज्ञ है। यज्ञ से ही भगवान को भोजन प्रसाद मिलता है। इसलिए राम जी को हम प्रणाम करते हैं। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, कर विचार दे क्यों मन माही। राम जी की कृपा कभी दुर्लभ नहीं हो सकती। राम की कृपा तो मन से, ध्यान से, उत्साह से आप केंद्रित होते हैं तो राम की कृपा मिलती है। बिल्कुल, राम जी की कृपा के लिए आज लोग जो साधना कर रहे हैं, साधु संत साधक, और साधना का मतलब है कि किसी चीज को साधना यानी उसके प्रति साध्य हो जाना। नियमित रूप से कई लोगों ने जल समाधि लेकर के 9 दिन तक तपस्या की है, कई लोगों ने भूखे रह करके तपस्या की है, कई साधक ने तो तुलसी के पत्ते पर 9 दिन तक आराधना की है, कई साधकों ने झूले पे लटक करके एक साधना की है। जाने किस किस प्रकार से अपने राम को और राम के प्रियक हनुमत लाल जी को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन का दिन चुना जाता है जी। और इसमें रामायण का जो हवन होता है, हवन के साथ में हवन करने के बाद जी पंडित भगवान को आहुति करते हैं तो मनोकामना के लिए भी करते हैं। बिल्कुल, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो किसी के घर में स्वास्थ्य खराब है, अलग अलग मंत्रों से करते हैं जी पंडित जी। और देखा जाए तो आज रामनवमी भी है और माँ दुर्गा के भी नौवें स्वरूप की पूजा होती है। तो सिद्धिदात्री, मैंने बोला जी कि माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का हवन होता है। और मैं आपको बता दूं, कुंजी का स्त्रोत में पीछे स्पष्ट दिया है, दुर्गा सरस्वती में पीछे सिद्ध मंत्रों का दिया है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुदान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशय। किसी प्रकार का विसंशय नहीं है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। जी पंडित जी, आपने बताया इस पे हवन पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि किसी साधक जो राम भक्त हो या माँ का भक्त हो, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं हो लेकिन भाव बहुत हो, तो वो किस तरह से पूजा अर्चना कर सकता है? देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान के समक्ष आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और अपना भाव को भगवान के श्री चरणों में लगाएं और निस्वार्थ सेवा करते हुए जो आपके पास पान पुष्प है वो अर्पण करें। भावे ही देवावित्ते तस्माद भावे ही कारणम। भाव से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भाव के ही तो भगवान मौके हैं। भाव जिसके पास है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये सब तो करते हैं लेकिन भगवान जिनको समर्थ बना रखा है वो करें, जहाँ कोई कमी है तो भाव से संपूर्ण। बिल्कुल, क्योंकि नवमी भी है पंडित जी, तो किस तरह का मुहूर्त है, किस तरह की पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सोमवार का दिन है, नवमी का दिन है, सोमवार शिव का दिन होता है और राम जी शिव के बिना अधूरे और शिव राम जी के बिना एक दूसरे के पूरक हैं। और शिव जी का जब दिन है तो सुबह प्रातः सूर्य उदय होने के बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक तो राहु काल रहेगा, लेकिन इसके बाद आप 10:15 बजे से 11 बजे तक शुभ के चौड़े में भगवान को भोग लगाए हवन करें, और नहीं तो 12 बजे से 1 बजे के मध्य आप जो है हवन आदि करने के बाद 9 कन्याओं को बुला करके उनका आगमन करें, उनको निमंत्रण करें एक दिन पूर्व, और उसके बाद उन्हें भोजन आदि पकवान बना करके श्रद्धा से, शक्ति से, सामर्थ्य से उनका सम्मान करें और एक बटुक को जरूर बुलाएं,
उनको भी भोजन कराएं, उनको भी सम्मान करें, दक्षिणा दें। दक्षिणा का भाव सम्मान का भाव होता है। यदि जो लोग व्रत उपवास करते हैं और जैसा आपने बताया, जैसे हम जानते हैं उठता बैठता करते हैं या आखिरी की दो करते हैं, जोड़े से करते हैं, किस तरह से वो नवमी के व्रत पर उद्यापन कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, यहाँ जो नवमी का दिन है, जिन्होंने राम जी का आराधना किया है, हनुमान भाव किया, सुंदरकांड किया, हनुमान चालीसा किया, राम रक्षा स्त्रोत किया, अन्य प्रकार के कोई भी अनुष्ठान, गुरु का दिया हुआ मंत्र का जप किया, तो ऐसे में गायत्री जप किया, भगवती जप किया, बगुलामुखी जप किया। अभी चुनाव राजस्थान में कई जगह हैं, मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों में है, तो राजस्थान में चुनाव के दौरान माँ भगवती बगुला के अनुष्ठान चल रहे हैं। बड़े लोगों, कई को टिकट चाहिए तो अनुष्ठान चल रहे हैं, कई को टिकट मिल चुके तो जीतने के लिए बगुला मुखी का अनुष्ठान चल रहे हैं। ऐसे लोग नवमी के दिन पूरा करते हैं जी, सिद्धिदात्री जैसा आपने बताया, तो सिद्धि को देने वाली माँ भगवती का पूजन अर्चन करने के बाद माँ भगवती को 16 श्रृंगार का सामान, लाला चुनरी का धारण कराने के बाद माँ भगवती को आप प्रसन्न करने के लिए शिव का भोग लगाएं, अनार जरूर चढ़ाएं, साथ में बने पकवान में, मिष्ठान में आपको हलवा जरूर लेना है। माँ भगवती सिद्धात्री को हलवा और पूरी, खीर और चने, ये बहुत प्रिय होते हैं जी। पंडित जी, आपने बताया कि एक मिष्ठान का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। जो कन्याएं जिनको हम पूजते, क्या कुछ विशेष दक्षिणा पूजा अर्चना उनके लिए भी होती है? देखिए, बिल्कुल होती है। कन्याओं का पूजन और कन्याओं का आगमन एक दिन पहले निमंत्रण के लिए देना, और फिर आगमन के लिए दरवाजे पर आतिथ्य देना, और फिर उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठा करके अपने हाथ से भोजन परोसना, और फिर उसके बाद पत्तल भी कन्याओं को नहीं उठा देना, हमको ही उठा के रखनी है पत्तल या जो भी आप लगाते हैं। और इसके अतिरिक्त उन्हें सम्मान के साथ जो आपकी श्रद्धा है, मान लीजिए किसी के पास में भगवान ने दिया है, सामर्थ्यता है, तो आप उन्हें वस्त्र दें, उन्हें दक्षिणा दें, चांदी का सिक्का दें, और माँ भगवती का बना हुआ चांदी का सिक्का दें। और इसके साथ आपके पास कुछ भी नहीं तो एक फल जरूर दें, फल केला जरूर दें, केले का फल इसमें जरूर देना चाहिए, कदली फल को बड़ा शुभ मानना। पंडित जी, आज हम जानते हैं बहुत भागती दौड़ती जिंदगी है और सभी लोग व्यस्त हैं, उसमें कहीं कुछ बुराई भी नहीं है, सब जॉब पर जाते हैं, ऐसे में ऐसा कौन सा मुहूर्त है जहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है? किस तरह से सहजता से भाव के साथ हम पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, सहज और सरलता के साथ ही पूजा करनी चाहिए। कभी भी किसी भी टेंशन में, किसी भी जल्दीबाजी में पूजा अर्चना नहीं हो, तो ऐसे में जो आप मुहूर्त की बात करते हैं, सूर्य उदय से 7:30 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप 10:15 से 11 कर सकते हैं, फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच में कर सकते हैं। तो 12 से 1 बजे अभिजीत मुहूर्त लें, अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, और सब शुभ घड़ी, शुभ लगन में कोई कार्य करते हैं तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। हम सभी के साथ हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, जो हमें बता रहे हैं किस तरह से नवमी के दिन पर हम पूजा अर्चना करके अपने जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही आज रामनवमी भी है, तो आइए जानते हैं पंडित जी से किस तरह से रामनवमी पे हम क्या विशेष कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, माँ देवी पर बात की, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग रामायण का हवन करेंगे, हवन के साथ जो आप आहुति करते हैं, इसमें 2-3 सिद्ध मंत्र हैं जिन्हें करने से आपको किसी प्रकार का मुकदमा या कोई केस या परेशानी है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ओम राम रामाय स्वाहा, इस मंत्र से आप करें और इसकी 108 आहुति करें तो मुकदमे केस आदि में आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपके शत्रु हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तरक्की के आगे मार्ग पर नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे में नाम, अब ये बड़ा सरल मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। और नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, कह वींच पद सुनी हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। तो ये ऐसे मंत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। इस चौपाई का भी 108 बार करें तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन संपूर्ण घर की सुख शांति समृद्धि तरक्की उन्नति के लिए यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही मंत्र है, आपदामप हरतारम
दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नमाम्यम। ओम राम रामाय स्वाहा, ओम राम रामाय जी। और बहुत ही सहज है, कहीं उच्चारण का भी कुछ नहीं इसमें जी जी। क्लिष्टता की कोई बात ही नहीं है, राम जी का नाम ही क्लिष्टता में नहीं है। राम तो सहज है, सरल है, विनम्र है, उदार है, उन्हीं का नाम तो राम है जी। तभी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम का नाम। देखिए एक बात ये सही कही आपने कि राम जिनके हृदय में है, कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास राम है। राम जिसका निकल गया वो तो मृत है, वो उसका तो फिर शरीर को कहते ना जिसका राम निकल गया, अरे भाई ये तो फिर अब कुछ नहीं। राम राम सबके हृदय में है। मैं तो दिन भर मेरे राम मेरे राम मेरे राम बोलता हूँ, और एक दिन में 1000 बार, 30 दिन में 30,000 नाम, और 101 दिन में 1.25 लाख नाम, और 1 साल में 5 लाख राम नाम का उच्चारण हो जाता है बोली भाषा में, अनुष्ठान हो गया जी। बिल्कुल जब का जी पंडित जी, लेकिन जैसा हम जानते हैं राम नवमी है, उनका त्योहार है, बड़ा दिन है, तो इसका जरूर कुछ विशेष महत्व होगा। तो इस दिन किस तरह से हम भगवान की सहजता से पूजा अर्चना करके जो ये इतना सारा फल है एक दिन में, देखिए थोड़ा सा स्वार्थ हर इंसान के मनुष्य में होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की उपासना करके फल प्राप्ति कर सके। देखिए इसके लिए बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। राम जी का ध्यान करते हुए, और मेरा मानना है कि कोई भी कार्य आप करते हैं बड़े सहज भाव से, आप गेंदे की माला लें, गुलाब की माला लें, मोगरा की माला लें, लेकिन मोगरा की माला से राम जी को आप धारण करा करके और राम जी का जो प्रसाद आपने जो भी जैसा बनाया है उसको अर्पण करें। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो राम भक्त हैं, राम जी का स्मरण करते हैं। हाँ एक छोटी सी बात आप ध्यान से सुने, आप बोले जय जय श्री राम हरि, जय जय श्री राम हरि। अब देखो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो, जय जय श्री राम हरि, बाकी सब डोंट वरी। क्या बात, दुनिया में कोई चिंता है ही नहीं जो राम जी का स्मरण करते हैं। ऐसे में भगवान को स्मरण करते हुए केवल दर्शन मात्र से आपका कल्याण। लेकिन पंडित जी राम नवमी है और जैसा आपने बताया कि डोंट वरी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम नवमी के दिन को किस तरह से विशेष बनाया जाए, किस तरह से अपनी जितनी भी वरीज हैं, जो भी चिंताएं हैं, सब उनको समर्पित करके। मेरा एक ही कहना है कि घर में परिवार में आपस में ईगो खत्म करें और प्रेम और प्यार और स्नेह और आत्मीयता और अपनापन और उदारता के साथ में जीवन को परिवार के साथ जीना सीखें, क्योंकि ये सब राम जी के पास में गुण है। जीवन को आदर्श यदि बनाना है तो राम जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी हैं जो वचन को निभाते हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए ये राम वो हैं, जब गए थे तो पुरुषोत्तम गए थे, और जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए राम जी का तो बड़ा सहज है, दर्शन मंदिर में जरूर जाके आपके समीप जहाँ भी मंदिर है राम जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पित मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो वहाँ साक्षात भगवान है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि भगवान राम का तो जीवन अपने आप में पूजा अर्चना की तरह था, अगर उनके हम जीवन से प्रेरणा लेकर सहजता से रहें, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए घर छोड़ दिया था, तो हमारे लिए तो ये बहुत सहज है कि अपने परिवार को अच्छा लगे, एक साथ बैठ करके पूजा पाठ करें। और आपने ये बात बार बार कही कि ईगो को छोड़ दिया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। वो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जीवन सफल बनाना है तो भगवान आध्यात्मिक को ध्यान रखो, आपकी योग्यता क्षमता शक्ति सामर्थ्य को बनाए रखो, लेकिन साथ में आध्यात्मिक रहो। आध्यात्मिक रहने पर व्यक्ति कभी गलत नहीं कर पाता है, चीट नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, किसी को असत्य नहीं बोल पाता। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हुई मनुष्य के कर्म की, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कई परिवारों में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, या मान लीजिए धन धान्य की कमी होती है, तो किस तरह से रामनवमी पे हम कौन से साधारण उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव सोमवार का दिन है और भगवान शिव का भी दिन है, और कहते हैं कि शिवद्रोही राम जी को सपने में भी नहीं भाता, इसलिए राम जी के लिए आज आप आहुति कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जप करते हुए करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मा अमृतात्। विशेष रूप से सुने, मा अमृतात् है,
माँ मृतात बोलते हैं, यहाँ हलंत लगा हुआ है। ऐसी गलती करने पर यह होता है कि देखिए कितना इसमें बहुत एक लोचा है। ओम त्रियम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव। बंधनात बंधनों से मुक्त करो, बंधनात मुक्तिर मोक्षीय माँ अमृतात। मुझे मुक्त करो, बंधनों से मुक्त करो, मोक्ष करो और मुझे स्वर्ग दो। लेकिन माँ अमृतात अमृत दो, और माँ अमृतात बोला माँ मुझे मुझे मृत्यु दो। माँ अमृतात अधिकांश बोलते हैं, लेकिन माँ अमृतात बोले और ऐसा बोलते हुए आप 101 बार 108 बार एक माला से आहुति करें, और जिसके नाम से कर रहे हैं उसका नाम लेकर के और उसके पिताजी का नाम उसका गोत्र उच्चारण करते हुए और फिर आप आहुति करें। बिल्कुल, और ये अपने बहुत छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि अक्सर हम मंत्र आजकल तो क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया से हम मंत्रों को सीख जाते हैं, लेकिन माँ अमृतात कहना उसमें एक अ लगाना एक बहुत छोटी सी बात है, जिससे एक हमारे शायद उच्चारण से हम गलत चीज को न्योता दे देते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी, और वाकई ज्ञानवर्धक बात है ये जी। तो ऐसे प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे रामायण की चौपाई में भी है, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन, अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, घन बोल दिया शत्रु घने हो जाएंगे। आप शत्रु नाश के लिए कर रहे हैं, शत्रुओं को कम करने के लिए कर रहे हैं, और आपने शत्रु घन बोल दिया तो शत्रु घने हो जाएंगे, शत्रुहन बोलोगे तब उनका हनन होगा। तो एक छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसे मैं सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर में बच्चे बच्चे कुंवारे हैं, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या है, बच्चे 25 साल तक तो चिंतन ही नहीं करते शादी के लिए, और 25 साल बाद में उनको जब माता पिता कहते हैं तो 5 साल तो अनसुनी करते हैं वो माँ बाप की बात सुनने में, 30 साल बाद कोई उनका दिमाग में आता है अब शादी करें, तो 30 साल के बाद जब दिमाग में आता है तो माँ बाप की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि माँ बाप तो माता पिता तो बच्चे बच्चे के लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचेंगे। इसे मैं कहना चाहूँगा, ऐसे में जो बच्चे बच्चे कुंवारे हो जाते हैं जिनकी 30 साल से ऊपर आयु हो रही है, उनके लिए विशेष रूप से आज के दिन सीताफल माँ सीता के चरणों में अर्पण करें, जो कुंवारी कन्या है मनोकामना पूर्ण होगी, और पीताम्बर वस्त्र भगवान के लिए कुंवारे लड़के हैं वो अर्पण करें, आपकी शादी का मनोरथ पूर्ण होगा। और ये रामनवमी के दिन करने से होता है, ये दिन बड़े सौभाग्य से मिलता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में सिद्धिदात्री माता के आशीर्वाद के साथ रामनवमी के दिन किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता। बिल्कुल, और आप अपने अनुभव से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 35 वर्ष का अनुभव है, तो ये एक बहुत ही समस्या ऐसी देखते होंगे जो हर घर परिवार में दिखती है। तो जो कन्याएं हैं उनको सीता माँ को सीताफल अर्पित करना है, और जो कुंवारे लड़के हैं उनको पीताम्बर वस्त्र धारण करना है। ये जरूर बोलें, अस्माकं परिवार भविष्य उज्ज्वल कामना निमित्तार्थ मम पूजा कार्य सिद्ध्यते मम आत्मीयता भाव से प्रसन्नता पूर्वकम भगवान श्री राम चरणम शरणम गच्छामि। हम भगवान के शरण में जाकर के शरणम गच्छामि हो रहे हैं, हे भगवान अब आप जाने आपका काम जाने। जब ये भगवान के ऊपर छोड़ते हैं अवश्य हमारा काम होता है, अवश्य होता है। पंडित जी, कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ परिवारों में अशांति रहती है, ईगो ना भी हो तो भी किसी न किसी कारण से अगर कलह रहता है, तो किस तरह से रामनवमी के दिन पूजा अर्चना करके सुख शांति ला सकते हैं? बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि मेरे पास दिन भर में देखता हूँ लोगों के अधिकांश घर में कलेश की एक बात आती है, और जहाँ कलेश होता है ना वहाँ धन दौलत समृद्धि सब चली जाती है। यानी कहा था ना कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। तो ऐसे में घर में गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से पूरे घर में फर्श पर चढ़ गए और संध्या के समय गूगल धूप की दुआ करें। ये कार्य साधारण है, बहुत छोटा कार्य है, बिना पैसे का कार्य है, लेकिन ये वो कार्य है जिससे आपके घर में समृद्धि सौहार्द का वातावरण बनेगा। और जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह हो चुका है लेकिन टूट गया, अब दोबारा विवाह करना नहीं बैठ रहा है, उनके लिए रामनवमी के दिन दोपहर में एक चांदी का लोटा लें, गिलास लें, उसमें 250 ग्राम दूध भरें और कच्चा दूध लें, गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा बूरा डालें, और बूरा डालने के बाद पीपल के पेड़ में छड़ाएं विष्णु इदम विष्णु चक्र में देवता इदम राय जन्म में विष्णु को अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद वहाँ एक देसी घी का दीपक जला के पीछे मुड़ के ना देखें और घर में हाथ पैर धोकर के प्रवेश करें। निश्चित रूप से अगले चैत्र नवरात्रा से पूर्व आपकी शादी तय हो जाती है।
बहन, ये बड़े सरल और बड़े सहज उपाय हैं, इनको करना है। बिल्कुल पंडित जी, आपने जो भी जानकारी हमें दी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके जीवन में जरूर से सहजता आएगी, सरलता आएगी, और मन में अगर कोई आशंका होगी तो आपने जो उपाय बताया जरूर कुछ ना कुछ समाधान मिल गया होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। शुभ आशीर्वाद सच बेधड़क परिवार की ओर से सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाओं के साथ। शुभ आशीर्वाद, ऐसी मंगल विनित प्रार्थना भगवान श्री राम के श्री चरणों में आपके लिए करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, मेरे राम की जय हो। सच बेधड़क की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क, और एक बार फिर से आप सभी को आज नवमी की और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।